हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम सुनैना, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम फिफ्थ क्वेश्चन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हेयर वी हैव टू फाइंड कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। एंड ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है, दिस इज़ ट्रू और नॉट, ये हमें बताना है बाय सॉल्विंग। ओके, हमें सॉल्व करके ही बताना है। तो टेकिंग लेफ्ट साइड, एंड लेफ्ट साइड इज़ 3 × 5⁴। हम इसे ओपन करेंगे, 3 × 5 × 3 टाइम्स। तो 3 × 5 × 5 × 5 वी विल गेट 375। ये हमारा लेफ्ट साइड आंसर है। एंड राइट साइड इज गिवन 15³। एंड 15³ मीन्स 15 × 3 टाइम्स, एंड वी विल गेट 3375। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 375। इट्स मीन लेफ्ट साइड नॉट इक्वल टू राइट साइड। इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है, और हमने जब सॉल्व किया तो ये प्रूफ हुआ कि ये इक्वल नहीं है। इस दैट साइड दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। ओके, नाउ बी पार्ट। 2³ ग्रेटर है 3² अब इसमें ग्रेटर बोला है लेफ्ट साइड को राइट साइड से, तो सॉल्व करेंगे 2³। इट्स मीन 2 × 2 × 2 एंड दिस इज योर आंसर 8। नाव राइट साइड 3² इट्स मीन 3 × 3 इट्स मीन 9 आंसर। एंड 8 छोटा है, स्मॉलर है 9 से, इट्स मीन दिस इज ऑल्सो फॉल्स कि लेफ्ट साइड ग्रेटर नहीं है राइट साइड से। राइट साइड ग्रेटर है हमारा सॉल्व करने पर जो हमें आंसर मिला है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि हमारा लेफ्ट साइड ग्रेटर है, सो दिस इज फॉल्स। ओके, नाउ सी 5³ × 6³³ × 30³। हम यहाँ लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करेंगे, 5³ एंड मल्टीप्लाई 6³। वी विल गेट 27,000। क्या आंसर आएगा लेफ्ट साइड? 27,000। नाउ राइट साइड वी विल सॉल्व 30³ एंड वी विल गेट आंसर 27,000। तो वी कैन सी हेयर लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड। अब यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि लेफ़्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, और हमारा सॉल्यूशन भी यही है कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। इट्स मीन दिस इज ट्रू। नाउ डी पार्ट, 3² × 2² आप इक्वल है 5² आपको एक लॉ बताया था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि अगर किसी की भी पावर आपकी ज़ीरो हो किसी भी नंबर की, तो वो आपका आंसर क्या होगा? 1। तो लेफ्ट साइड वी विल गेट 1 एंड राइट साइड आल्सो वी विल गेट 1। तो लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, इट्स मीन दिस इज ट्रू। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट इज 49 × 7³ × 100 अपॉन 10³³ × 3³³ × 7² हम यहाँ जो पावर्स वाले नंबर हैं उनको पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। 49 × 7, यहाँ 7³ है, 7 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ इन डिनोमिनेटर 10³ ओपन 3 टाइम, 10 को 3 टाइम ओपन करेंगे, एंड मल्टीप्लाई 3³, 3 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे, एंड 7 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे। नाउ 2 7 गिवन इन डिनोमिनेटर, दिस इज कट बाय न्यूमरेटर। यहाँ पर हम दोनों 7 को कट कर देंगे, 10 और 100, 2 10 इन डिनोमिनेटर और 100, ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वी हैव, यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है इन न्यूमरेटर, 49 × 7, इट्स मीन दिस इज यर 343। एंड इन डिनोमिनेटर वट
लेफ्ट 100 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इट्स मीन दिस इज 270. इट्स मीन आवर आंसर इज 343 अपॉन 270. ओके, तो ये आपका आंसर है. इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी पावर्स में दी हुई हैं उनको हम ओपन करेंगे, जो एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल करेंगे, और फिर लास्ट में जो आपका न्यूमरेटर में होगा उसकी मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर में होगा उसकी मल्टीप्लाई. ओके, नाउ बी पार्ट 121 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 11 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5. तो सेम प्रोसीजर वी विल यूज़, 121 मल्टीप्लाई 5 थ्री टाइम्स ओपन करेंगे, अपॉन में 11 टू टाइम्स ओपन होगा मल्टीप्लाई 5. हम जो कैंसिल हो रहे हैं हम कैंसिल करेंगे, आपका सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 बचा है और न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई 5, इट्स मीन आंसर इज 25. डिनोमिनेटर में 1 है तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि राइट 1 इन डिनोमिनेटर, हम 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते. ओके, सी पार्ट ए पावर 3 मल्टीप्लाई बी पावर 2 मल्टीप्लाई बी पावर 3 मल्टीप्लाई ए पावर 2 अपॉन ए पावर 2 मल्टीप्लाई बी. यहाँ नंबर की जगह आपको क्या गिवन है, अल्फ़ाबेट्स, यानी आपको ए बी सी गिवन है. आप जैसे नंबरिंग को सॉल्व कर रहे थे पावर में, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे. ए की पावर यहाँ 3 है तो ओपन ए 3 टाइम्स, बी रेज टू पावर 2 बी ओपन 2 टाइम्स, अगेन बी रेज टू पावर 3 बी ओपन 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर 2 ए ओपन 2 टाइम्स. ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में ओपन करेंगे, जो आपके कैंसिल हो सकते हैं यू विल कैंसिल, आप उनको कैंसिल करोगे. एंड आई थिंक इन दिस यू कैन सी इन डिनोमिनेटर ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर कैंसल्ड, यहाँ पर कैंसिल हो गए हैं. नाउ इन न्यूमरेटर वट इज़ रिमेनिंग, क्या बच रहा है, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, यानी ए 3 टाइम्स है एंड बी 4 टाइम्स है. इट्स मीन ए रेज टू पावर 3 बी रेज टू पावर 4 इज़ आवर आंसर. ओके, नाउ डी 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2. हम इसमें भी ऐसे ही 2 को 8 टाइम्स ओपन करेंगे, 4 को 2 टाइम्स, 5 को 3 टाइम्स. इन डिनोमिनेटर 16 मल्टीप्लाई 10 को 2 टाइम्स, जो आपके कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करेंगे, आपका डिनोमिनेटर में 1 रहेगा. एंड इन डिनोमिनेटर यू कैन सी हेयर 2 इज 6 टाइम एंड मल्टीप्लाई 5, तो वी विल गेट 320 आंसर. ओके, नाउ सेवन्थ क्वेश्चन, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कंप्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आंसर इन एक्सपोनेंट फॉर्म. हमें यहाँ आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी पावर्स में लिखना है, आंसर को पावर में ही लिखना है. ओके, नाउ सी हेयर 6 अपॉन 7 रेज टू पावर 3 अगेन पावर 4. जब हमारा बेस एक है और पावर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स होती है, तो ये एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ये मल्टीप्लाई. तो जो पावर 3 और 4 है वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई. बेस आपका सिंगल है, बेस सिंगल है, रिमेंबर इट, बेस जब आपका सिंगल हो, पावर मोर देन 1 हो, मोर देन 1 टाइम्स हो, तो हम क्या करते हैं, उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 6 अपॉन 7 3 मल्टीप्लाई 4, पावर मल्टीप्लाई हो गई हैं, तो वी विल गेट 6 अपॉन 7 रेज टू पावर 12. और हमें आंसर पावर में ही लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस पावर्स में सॉल्व करेंगे. सेम बी सी डी, दीज आर सेम. ओके, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया है. थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे.